हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। देखिए, आज लड्डू गोपाल जी के लिए मैं आपको इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। और देखिए, बहुत ही ईजी है, एक बिगनर भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आसानी से इसको बना सकते हैं। और मैंने इसी वीडियो में 0 से लेकर 10 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए बताया है किस तरीके से उनके लिए बनाना है। हल्की ठंड में आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस ड्रेस को बना के पहना सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर लगती है, बहुत ही ईजी है पहनाना भी लड्डू गोपाल जी को। और देखिए किस तरीके की है, सभी साइज में आपको इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में पूरा बता दिया है किस तरीके से बनाना है सभी साइज में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 9 चैन बनाई है। अब देखिए, 9 चैन बनाने के बाद फिर हमें धागे को इस तरीके से लेना है। 1 और 2 चैन को स्किप करेंगे और 3rd चैन में से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चैन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसको भी काउंट कर लेंगे 1 2 3, धागे को इसी के अंदर ऐड कर लेंगे 4 5 6, देखिए इसको इसी के अंदर ऐड करेंगे 7 8, देखिए 8 हमारे यहाँ पे जो हमने नोट लगाई थी उसमें से भी हमने 1 बना लिया है, तो 8 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गई है। अब देखिए, अब हमें जो हमारा ये 8 चैन है इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और देखिए 5 5, हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जितनी भी हमारी ये चैन है सभी चैन में से हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे 1, फिर नेक्स्ट में से 2 3 4 5 6 और देखिए 7 7, इधर थे हमारे डबल क्रोशिया और देखिए 7 हमारी इधर हो गई। जो हमारी 8 चैन थी उसमें से हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, यहाँ से हमें दूसरे कलर को ऐड कर लेना है। देखिए इस कलर को ऐड करके हमने यहाँ पे 2 चैन बना ली। और देखिए, अब हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से सभी चैन में से हमें 1 1 टाइम्स हाफ क्रोशिया बनाना है ऐसे। जितनी भी हमारी चैन है सभी में से 1 1 हाफ क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरीके से। धागे को हमें इसी के अंदर ऐड कर लेना है सभी में से हमें 1 1 बनाना है हाफ क्रोशिया। कोई भी फंदे को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। देखिए देखिए, इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने रो कंप्लीट कर लिया है हाफ क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए, इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे और देखिए इधर से हमें इस कलर से बनाना है। अब देखिए, अब हम इस कलर से बनाएंगे यहाँ से ऐसे 1 2 2 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चैन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इससे भी हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। जितनी भी हमारी चैन है सभी चैन में से हमें 1 1 हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए, हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया के सेंटर में से लेना है, चैन में से नहीं लेंगे। देखिए यहाँ से, देखिए इनके सेंटर में से लेना है। इसके बाद फिर हम इस कलर से बनाएंगे और फिर हम इस कलर से बनाएंगे, सभी में से 1 1 हाफ क्रोशिया हम बना लेंगे। तो देखिए इतना हम कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रो कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे यहाँ पे टोटल देखिए हाफ क्रोशिया के 1 2 3 रो कंप्लीट हुए हैं और एक हमने ये डबल क्रोशिया का बनाया था, तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 रो कंप्लीट हुए हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 6 फंदे लेने हैं, 2 और 3 नंबर के लिए हमें 7 फंदे लेने हैं और 4 और 5 के लिए हमने यहाँ पर 9 फंदे लिए हैं। 6 और 7 के लिए हमें 10 फंदे लेने हैं, 6 7 8 के लिए हमें 10 फंदे लेने हैं।
इसी तरीके से आप 10 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए इस ड्रेस को बना सकते हो बड़ी ही आसानी से। सिर्फ हमें यहीं से फंदे शुरू करने हैं, आगे से सेम ऐसा ही बनेगा सभी साइज में, जिस भी साइज में आपको बनाना है सभी साइज में ऐसा ही बनेगा। तो देखिए वो वीडियो की पिक मैंने लगा दी है जो मैंने आपको एक ही कलर से बना के दिखाया है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। इस वीडियो में आप 4 नंबर के लिए एक ही रंग से देख सकते हो, एक ही कलर से। और देखिए इसमें मैं आपको 2 कलर से बता रही हूँ और हम इसमें हाफ क्रोशिया के रो बनाएंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे ये फर्स्ट रो डबल क्रोशिया का बनाया है, आगे हम सभी में हाफ क्रोशिया के बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स अब हमें इसको यहाँ से इस चैन में से बनाना है, ऐसे 1 और 2 चैन बनाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमें इसमें से हाफ क्रोशिया बनाना है, इसी में से 2 हो गए हमारे, एक इसको भी काउंट कर लेंगे 1 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में से बनाएंगे, इसमें से एक और बना लेंगे, 4 हो गए। फिर इसमें से 5, फिर इसमें से 6, एक और इसी में से बना लेंगे 7, फिर इसमें से 8 9, एक और इसी में से 10 हमारे यहाँ पे ये फंदे हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट में से 11, फिर यहाँ पे 12, इसी में से एक और 13, फिर नेक्स्ट में से 14, एक और इसी में से 16, यहाँ से 17, एक और इसी में से ले लेंगे 18। और देखिए इसको हमें इस तरीके से निकालना है। देखिए 17 हमारे यहाँ पे हाफ क्रोशिया हो गए इस तरीके से। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 1 2 चैन लेनी है, उसको हम ऐसे टर्न करेंगे। 2 चैन लेने के बाद जितने भी हमारे हाफ क्रोशिया का सेंटर है सभी में से 1 1 बनाएंगे, ऐसे सभी में से 1 1 हाफ क्रोशिया, ऐसे सभी के सेंटर में से लेना है, चैन में से नहीं लेंगे, ऐसे इस तरीके से। कोई भी फंदे को अब हम बढ़ाएंगे नहीं, सभी में से 1 1 टाइम्स लेंगे। ऐसे देखिए इस तरीके से अब हम इधर से शुरू करेंगे इसको। देखिए इतना हमारा ये बन गया, अब हम इधर से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे, अब इधर से बनाएंगे, धागे को हम कट करके नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हमें बनाना है। देखिए हमें यहाँ पे 1 2 हाफ क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पे इसमें से बनाना है ऐसे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम धागे को इस तरीके से लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम निकालेंगे ऐसे। फिर देखिए 1 2 चैन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट में से बनाएंगे ऐसे हाफ क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में से हाफ क्रोशिया, इनके सेंटर में से हमें लेना है ऐसे, सभी में से हम 1 1 टाइम्स लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ये हमारे 1 2 3 है इधर, तो देखिए इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे और देखिए इस धागे में से ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसमें आ जाएंगे ऐसे। देखिए यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 चैन और फिर नेक्स्ट में से डबल क्रोशिया के सेंटर में, सॉरी 2 चैन हमें लेनी है हमें, क्योंकि हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 चैन लेंगे, फिर सभी के सेंटर में से अब हम कोई भी फंदे को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, सभी में से हमें 1 1 टाइम्स बनाना है इस तरीके से। ऐसे
देखिए अब धागे को यहीं पे छोड़ देंगे और फिर से हमें इधर से शुरू करना है। हाफ हाफ क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे धागा लेंगे और देखिए 1 2 फिर नेक्स्ट में से ऐसे हाफ क्रोशिया सभी में से। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद में हम इसको बनाएंगे इस कलर से, फिर इस कलर से, फिर इस कलर से। तो देखिए हम आपको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं किस किस तरीके से बनाना है। एक देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है और देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से फंदों को एक एक फंदे को बंद घटा दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े फंदे कम कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे यहाँ पे फंदे रह गए, एक यहाँ पे हमने घटा दिया, एक इसमें से घटा दिया, ऐसे तीसरे चौथी रो पे हमने यहाँ पे एक एक फंदे को कम कर दिया है। और देखिए दोनों तरफ से दो दो फंदे हमने पहले घटा दिए थे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और इस तरीके से देखिए सभी साइज में बनाने के लिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी से नाप लेना है। किस तरीके से देखिए मैं लड्डू गोपाल जी दिखाती हूँ आपको। ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, देखिए ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से जिस भी साइज में आपको बनाना है ऐसे उनको पहना के देखना है कितनी हमें लंबाई रखनी है। इस तरीके से देखिए ये हमारे 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो देखिए इस तरीके से हमें नापना है, मेजरमेंट हम इस तरीके से लेंगे। देखिए अब दोनों तरफ से हमें यहाँ पे डोरी बनानी है। ये हमारे 4 और 5 के लिए है तो हमने इसको देखिए इतना किया है। छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए आप यहाँ पे कम रो कर सकते हो। इसी तरीके से हमें इसकी लंबाई बनानी है छोटे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए। शुरू से हमने आपको बता ही दिया था और लंबाई हमें किस तरीके से रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स आप सभी साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए आसानी से इस ड्रेस को बना पाओगे। अब देखिए अब हमें करना क्या होगा, देखिए दोनों तरफ हमारा एक एक कलर का फंदा है। देखिए इस तरफ हमारा इधर इस वाला है और देखिए इस तरफ हमारा ये है। तो हमें करना क्या होगा, हमें एक चैन बना लेनी है। इस तरीके से हम चैन बनाएंगे और एक लंबी डोरी बना लेंगे। इस कलर से हमें इसमें बनानी है, इस कलर से हम इस इधर से बना लेंगे। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स दोनों डोरी हमने बना ली है चैन बनाते हुए। इधर हमारा इस कलर का धागा था, इधर हमारा इस कलर का, तो हमने इसी तरह इन धागों से बना लिए। अब देखिए अब हम एक रो और बनाएंगे इसमें, वो हम इस कलर से बनाएंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ से हम शुरू कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें से हम बनाएंगे। तो देखिए इधर से हमारा उल्टा है तो हम सीधी तरफ से शुरू करेंगे, तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ पे यहाँ से हमें बनाना है ऐसे 1 2 3 3 चैन और इसी चैन में से डबल क्रोशिया 1 2 और देखिए 3 डबल क्रोशिया बना के हमें इस जो ये हमारा हाफ क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे। इसे नेक्स्ट में से इसी कलर वाले में से लेंगे ऐसे, फिर देखिए 1 2 3 3 चैन और फिर देखिए डबल क्रोशिया। ये धागे को हमने इसी के अंदर ऐड कर लिया है। 3 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 की चैन को भी हमें काउंट करना है। फिर हम इस देखिए सॉरी इस हाफ क्रोशिया को स्किप करेंगे, इसी कलर वाले में हमें इसको लेना है ऐसे। देखिए इस तरीके से फिर हमें ऐसे ही करना है। देखिए 1 2 3 3 चैन और देखिए फिर इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर देखिए इसको स्किप करेंगे, यहाँ से बनाएंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और तो देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको इसमें से यहाँ से बनाना है ऐसे इस तरीके से। अब देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे ये हाफ क्रोशिया थे इन सभी में हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, सभी में से 1-1 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे देखिए इस तरीके से
सभी में से हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए जैसा कि हमने इधर से देखिए यहाँ पे इसको अटैच किया था, अब हम इधर से बनाएंगे इसमें इसी तरीके से 1 2 3 चैन और इसी में से डबल क्रोशिया 2 और देखिए 3 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे जब हम 3 की चैन को भी काउंट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसी कलर में लेना है हमें, देखिए ऐसे, फिर 1 2 3 चैन और फिर यहीं से डबल क्रोशिया। ऐसे फिर यहाँ पे इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें इसको भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स इसको हमने इधर से भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब हमें इसको यहाँ पे जितने भी हमारे ये हाफ क्रोशिया हैं देखिए सभी के सेंटर में से लेंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सभी के सेंटर में। देखिए यहाँ पे सेंटर में से हमें लेना है, चैन में से हम नहीं लेंगे। देखिए फिर हम इसी में से ऐसे यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को अंदर की तरफ हम ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के रेडी हो गई। देखिए कितनी आसान है, इसमें ही नेपी है, इसमें ही कैप है, पूरी ड्रेस हमारे लड्डू गोपाल जी की हल्की ठंड के लिए कंप्लीट हो गई। और देखिए इस तरीके से इधर से भी देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर सी और प्यारी सी हमारे लड्डू गोपाल जी की ये क्यूट सी ड्रेस बनी है। और देखिए पूरे कवर हो गए लड्डू गोपाल जी इस तरीके से। देखिए हल्की ठंड में आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस ड्रेस को बना के पहना सकते हो, काफ़ी सुंदर लगती है, बहुत ही आसान है जैसा कि आपने देखा। और सभी साइज में हमने आपको बता दिया है 0 से लेके 10 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए आप इस ड्रेस को आसानी से बना सकते हो। सभी साइज को हमने इसी वीडियो में बता दिया है। और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।